सबसे पहले तो दशहरा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं जो ये वीडियो बनाने जा रही हूँ, इसमें मैं दशहरा का महत्व, ये क्यों मनाया जाता है, दशहरा कब मनाया जाता है, इस दिन हम क्या क्या करते हैं, इसी के बारे में आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि दशहरा कब मनाया जाता है। जैसा कि आपको सभी को पता है, सब हम भारतवासी हैं तो सभी के घर में दशहरा मनता है। तो आपको ये पता होगा कि ये दशहरा जो है आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन ये दशहरा मनाया जाता है। जो 9 दिन हमारे नवरात्रों के चलते हैं, जिसमें हम माता दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं, फिर उसके बाद 9 दिन में हम नवरात्रों में गरबा डांडिया ये सभी जगह आयोजन होते हैं, और उसके 9 दिन के बाद जो 10वां दिन आता है, उसी दिन को हम क्या कहते हैं, विजयादशमी। दशमी तो आपको पता लग गया होगा कि वो दशमी तिथि के दिन मनाया जाता है, और विजया से तात्पर्य है कि विजय करना, यानी कि इस दिन दशहरे के दिन क्या हुआ था, विजयदशमी भी बोलते हैं इसको, तो विजयादशमी के दिन क्या हुआ था, इसके पीछे दो पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है। एक तो है, आप सभी जानते हैं कि राम ने रावण को मारकर जो है अपने वर को प्राप्त करा था, सीता मैया को वहां से आजाद करवाकर वो अयोध्या लौटे थे, और उस दिन रावण का वध किया था। जो रावण किसका प्रतीक बताया गया है, बुराई का प्रतीक। तो यहाँ दशहरा जो है वो क्या है, बुराई पर अच्छाई की विजय है। बुराई का प्रतीक यहाँ रावण है और अच्छाई का प्रतीक भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी है। एक और दूसरी कथा है हमारे हिंदू ग्रंथों में मिलती है, जिसमें माता दुर्गा ने जो महिषासुर नाम का एक राक्षस था, उस महिषासुर नाम के राक्षस को, जिसने स्वर्ग पर आक्रमण किया था और अपने अधीन कर लिया था, तो स्वर्ग को जो अधीन कर लिया, तो माता दुर्गा ने महिषासुर को हराकर, उनके ये बीच तो 9 दिन तक तो युद्ध चलता है, और उसके बाद 10वें दिन जो है माता दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध करके विजय, स्वर्ग पर विजय प्राप्त की थी, इसीलिए जो है ये दिन विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। अब आगे आता है कि हम ये त्योहार कैसे मनाते हैं। अब सभी को विदित होगा कि क्योंकि हम सब अपने अपने घरों में क्या मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं। 9 दिन तक तो हमें पता है कि जो रासलीलाएं होती है, रासलीलाएं की जाती है जगह जगह, जिसमें जो है बच्चे जो है बड़े ही उत्साह से भाग लेते हैं, गरबा का आयोजन होता है 9 दिन तक, गरबा डांडिया। वैसे तो ये गुजरात का प्रसिद्ध है, लेकिन हमारे राजस्थान में भी पूरे 9 दिन तक जो है ये डांडिया गरबा का आयोजन चलता रहता है, और 10वें दिन जो विजयादशमी का दिन है, उस दिन कई जगहों पर मेलों का आयोजन होता है, जिसमें रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले बनाए जाते हैं, उनमें पटाखे भरे जाते हैं, और फिर जो है उनको जलाया जाता है, और इस तरह से ये बुराई के प्रतीक है, और इनकी जो है बुराई हो जाती है, और फिर जो है भगवान राम जो है उन पे एक तीर छोड़ते हैं, जिससे वो सभी पुतले जो है में आग लग जाती है और वो जल जाते हैं। कहने का मतलब है कि बुराई का अंत हो जाता है, और उस दिन सभी के घरों में जो है अच्छे अच्छे मिठाइयाँ पकवान बनाए जाते हैं, हम एक दूसरे को जो है बधाई देते हैं, और इस तरह से दशहरे का पर्व हम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। पश्चिमी बंगाल में क्या होता है कि वहां पर दुर्गा देवी के रूप में इस त्योहार को ज्यादा प्रसिद्ध है, देवी के रूप में, क्योंकि वहां जो है 9 दिन तक जो है दुर्गा की पूजा की जाती है, और 10वें दिन जो है माता की मूर्ति जल में प्रवाहित कर दी जाती है। इस तरह से महिषासुर नामक राक्षस का जो है अंत होता है, और इस तरह से बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। वहां जो है सुहागिन स्त्रियां सभी श्रृंगार करके माता की मूर्ति को एकदम अच्छे से सुसज्जित करके और जल में विसर्जन करने जाती है। इस तरह से दशहरे का पर्व जो है हमारे पूरे भारतवर्ष में जगह जगह, चाहे उसके नाम अलग हो, लेकिन जगह जगह ये त्योहार जो है अच्छाई, बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। दशहरे के दिन सभी लोग जो है
मेले में जाते हैं और मेले का आनंद लेते हैं। यहाँ हमारे राजस्थान में तो कोटा का जो दशहरा है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें भी जो है, हमने वो एक समय था, सतयुग का समय था जब रावण हुआ था और भगवान राम ने उसका वध किया था, लेकिन आज हम कलयुग में जी रहे हैं और सबके मन में जो है, जो रावण यहाँ बुराई का प्रतीक है, तो हमें जो हमारे मन में जो रावण रूपी बुराई जो छिपी बैठी है उसका नाश करना चाहिए और हमें अच्छाई की तरफ अग्रसर होना चाहिए। जैसे शब्द है दशहरा, किस किस से, दस और हरा, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। दस का मतलब होता है दस, यानी गिनती संख्या के दस, और हरा यानी उसका नाश करने वाला, पराजित करने वाला। तो दस सिर वाला जो रावण है उसका जब नाश होता है तब हम विजयादशमी मनाते हैं। तो ये तो बात थी कब की, सतयुग की, लेकिन कलयुग में तो हर घर में रावण बैठे हैं। तो हमें सभी को मिलकर आज के दिन अर्थात विजयादशमी के दिन ये संकल्प लेना चाहिए कि हमारे मन में जितने भी विकार हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, हमें उनको धीरे धीरे उनका नाश करना है। और जिस तरह से राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी, वैसे ही हमें भी जो है अपनी बुराई रूपी जो रावण हमारे मन में बैठा है उसका नाश करना होगा, तभी जो है हम इस युग को सतयुग बना पाएंगे। धन्यवाद।